जय माता शाह। समाज ने पिछले कल पर मोड़ा जाए, ने आने वाले कल पर छोड़ा जाए, समाज आज का ऐसे आज जोड़ा जाए। सामूहिक विवाह सम्मेलन अच्छी सोच की पहल है। आयोजन करने वाले सभी पदाधिकारियों को मैं रावत मोहन सिंह दिल से बधाई देना चाहूँगा। ये समाज हित में सार्थक विशेष मुहिम सराहनीय पहल है। युगों युगों तक पूजा जाते जो लोग इंसान नहीं फिरते होते हैं, बसते हैं वो सच्चे दिल में, अमर युगों के उनके किस्से होते हैं। अब जिसके बेटी है वो चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि बेटी की जिंदगी संवारने सुधारने के लिए सरकार और समाज ने बीड़ा उठाया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि बेटी के पिता को एक सौभाग्य की बात होगी कि नरवर से दीवे तक समाज के समाज बंधु वरवधु को आशीर्वाद देने आए। अपने शास्त्रों में लिखा है 16 संस्कार होते हैं, युगोपित से शिक्षा प्रारंभ, विवाह से गृहस्थ जीवन प्रारंभ से लेकर कुछ अंतिम संस्कार तक समाज के द्वारा जोड़ा गया है। उसे समाज को मिलकर करना पड़ता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन, अपने शास्त्रों में लिखा है कन्यादान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाने में युवाओं का अहम भूमिका है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाथ से हाथ मिलाकर क्या जब सहयोग, कंकर कंकर से भी राम सेतु बन गया। उसी प्रकार हमारे काका बाबा ने भाइयों ने मिलकर सामूहिक विवाह सम्मेलन की सारी व्यवस्था कर ली, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, जीवन में योग करें न करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर सहयोग जरूर करें, क्योंकि जीवन मिलता है संयोग से और जीवन चलता है सहयोग से। दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों, भाग्य लेके आए हैं, कर्म लेके जाएंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन इसके सार्थक परिणाम आएंगे। एक छत के नीचे सामूहिक करना, समाज में एकता की भावना तो आएगी, साथ में छोटे मोटे भेदभाव भी मिटेंगे, समय और धन की बचत होगी, पुराने कुर्तियों पर विराम लगेगा। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी सफल होगा। यही नहीं, कन्या भ्रूण हत्या में हद तक लोगों की सोच बदलने में हम कामयाब हो गए। कन्या भ्रूण हत्या में माँ बाप का अहम रोल होता है, उनका विचार होता है, उनका डर होता है, बेटी का खर्चा शादी का खर्चा। ऐसे आयोजन करने से इससे समस्या का निजात पा सकते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में यदि बड़ा वर्ग भी पैसे वाले लोग भी सम्मिलित होंगे तो सोने में सुहागा होगा। वो भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों का अपने सक्षम शादी करने के लिए सक्षम है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि गरीबों में उनके मन में मानसिक दबाव बनता है, वो भी अपने सामर्थ्य से अधिक खर्चा उठाकर शादी करा लेते हैं, जिससे उनकी आने वाली जिंदगी कठिनाई में बीतती है, वो हमेशा कर्जदार बन जाता है। समाज को आगे बढ़ाना है, सबको साथ रहना होगा, संगठन में शक्ति है, इस मूलमंत्र को समझना होगा। समाज बंधु से निवेदन है, समय रहते जागे उठे और समाज को उठाने में योगदान दे। अपने पोता पोतियों पुत्र पुत्रियों सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल करके समाज के वास्तविक संसद बने। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राजपूताना।